हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मशीन डिज़ाइन से है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, और इन फ्यूचर आपको ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जो आज का टॉपिक है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने समझा था कि मशीन डिज़ाइन में कोई भी एक प्रोडक्ट को अगर डिज़ाइन करना है या कोई भी एक एलिमेंट, मशीन एलिमेंट डिज़ाइन करना है, तो कौन से उसके मटेरियल्स और किस टाइप की उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पैरामीटर्स, ये कंसिडरेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते समय उसकी मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी दोनों हमको मालूम होना ज़रूरी होता है। तो आज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग जो मटेरियल्स होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं, कास्ट आयरन होता है, रॉट आयरन होता है, स्टील होते हैं, और इन सब के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। जैसे कि कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन, स्टील में हाई स्पीड स्टील, सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, और बहुत सारे अलॉयज के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। साथ ही साथ हमने इस सारे मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ भी देखा था कि किस टाइप के इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्डनेस। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारे मटेरियल्स में ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन करने के लिए, एक डिज़ाइन इंजीनियर को इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। ये जो प्लॉट किया हुआ ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल जो जो लाइन है वो स्ट्रेन का है, और जो वर्टिकल आप देख रहे हैं वो स्ट्रेस का है। ये बीच में जो सेंटर ओ पॉइंट को, ओरिजिन को हमने ओ से डिनोट किया हुआ है। तो डक्टाइल मटेरियल्स अंडरगो अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर फेलिंग। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि कास्ट आयरन और स्टील दो हमने सब्सटेंसेस पढ़ा था पिछली क्लास में, जिसमें जो हमने पिग आयरन से इसको प्रोड्यूस किया था। पिग आयरन को हमने एक सुटेबल फर्नांस में रीमेल्ट करके कास्ट आयरन और स्टील प्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि कास्ट आयरन में कार्बन जो कंटेंट होता है, कार्बन की जो अमाउंट होता है वो 2 to 3.5% होता है, और स्टील में up to 2% होता है, मतलब 0 to 2% कार्बन कंटेंट होता है। कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है, इसलिए वो डक्टाइल मटेरियल होता है, उसकी हार्डनेस कम होती है। और जो कास्ट आयरन होता है वो ब्रिटिल मटेरियल होता है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। तो ये जो कास्ट आयरन है जिसको हम ब्रिटिल मटेरियल कहते हैं, और जो स्टील है जिसको हम माइल्ड स्टील कहते हैं। तो सबसे पहले अपन माइल्ड स्टील का जो ग्राफ है, माइल्ड स्टील जिसमें हम जो डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है उसका ग्राफ पहले हम देखते हैं। तो ग्राफ में एक वर्टिकल स्ट्रेस लाइन और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन लाइन, ओरिजिन को हमने ओ से डिनोट किया हुआ है। ये जो लाइन है, देखिएगा, यहाँ ओरिजिन से शुरू होकर पहले पॉइंट ए में आया, देन बी में, फिर सी, फिर थोड़ा सा एक एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ इसमें रिड्यूस हुआ है, फिर धीरे से ये एक पॉइंट डी आ गया, फिर से थोड़ा सा अपर पोर्शन की ओर गया, यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट है जिसको हमने डिनोट किया है ई से, फिर ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ और जाके सीधा ये पॉइंट आ गया एफ। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने देखना है कि एक्चुअल में ये पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने एक कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हमको
एनालिसिस करना है, और वो प्रोडक्ट है, वो जो स्पेसीमेन है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो स्पेसीमेन है, वो एक माइल्ड स्टील का है जिसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसको हम इजिली वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज और कि स्टील जो होता है माइल्ड स्टील, उसमें वो साइक्लिक, उसमें साइक्लिक लोड लगते हैं, और ब्रिटिल जो मटेरियल होता है जैसे कि कास्ट है, उसमें स्टैटिक लोड लगते हैं। तो ये जो कर्व में पॉइंट 0 to A, तो पहला पॉइंट बोलता है प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए ऑन दिस ग्राफ, अप टू दिस लिमिट द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द स्पेसिमेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज द स्पेसिमेन ओबेज हुक्स लॉ, बियॉन्ड दिस पॉइंट द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। पिछले आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा कि स्ट्रेस जो होता है इंटरनल रेजिस्टिंग परमिट एरिया होता है, और स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशनल, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशनल टू ओरिजिनल डायमेंशन, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इस ग्राफ में देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो पॉइंट 0 to A तक का है, वो किसी भी प्रोडक्ट को हमने, किसी भी स्पेसिफिक को हमने एक थोड़ा सा उसमें लोड दिया, तो वो जो उसमें पहला जो चेंजेस जो दिखता है वो 0 to A में, और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, वो प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। प्रोपोर्शनल लिमिट इन द सेंस स्ट्रेस इज डायरेक्टनल प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, जो हुक्स लॉ कहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, दिस लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी ऑन द ग्राफ, अप टू दिस लिमिट द मटेरियल इज सेट टू बी प्लास्टिक, दिस इंप्लाइज दैट द स्पेसिमेन रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशंस आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल लोड। पॉइंट बी कहता है कि ए से बी में ये कहता है कि वो जो प्रोडक्ट जिसमें हमने लोड लगाया हुआ है, वो ए टू बी पॉइंट में इलास्टिसिटी के इलास्टिक लिमिट पे है, मतलब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन वी अप्लाइड एनी लोड टू एनी स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट, इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इट डिफॉर्म इट्स ओरिजिनल पोजिशन, एंड व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल लोड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो यहाँ पर हमने जब स्पेसिफेन में लोड लगाया, लोड को हमने जब रिमूव कर अगर करना चाहा, तो वो जो स्पेसिफेन में उसमें जो चेंजेस, जो रिफॉर्मेशन हुआ है, वो वापस से अपने साइज में, अपने शेप में वापस से रिगेन होगा, अपने वापस से साइज और शेप में वापस से आ सकता है वो। तो ये पॉइंट बी कहता है। उसके बाद दो पॉइंट और हैं, सी और डी। सी है अपर यील्डिंग पॉइंट एंड डी है लोअर यील्डिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या कहता है, दिस इज अ रीजन रदर देन अ पॉइंट, इट इज लिमिटेड बाय द अपर यील्डिंग पॉइंट सी एंड लोअर यील्डिंग पॉइंट डी, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द पार्ट ऑफ द ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, विच इम्प्लाइज दैट देयर इज एन अप्रिसिएबल इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर अ नेग्लिजिबल इंक्रीज इन स्ट्रेस। ये जो अंडरलाइन, जो हाईलाइटेड जो सेंटेंस है, वो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए, यील्ड पॉइंट के लिए, सी और डी के लिए। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज एन अप्रिसिएबल इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर अ नेग्लिजिबल इंक्रीज इन स्ट्रेस, मतलब पॉइंट सी में अगर हमने लोड लगाया हुआ है स्पेसीमेन में, इस पॉइंट सी का और डी के, जो सी जो अपर येल्डिंग पॉइंट है, डी लोअर येल्डिंग पॉइंट है, इसमें सी से डी के बीच में क्या बोलता है कि थोड़ा सा इसमें अप्रिसिएबल इंक्रीज इन स्ट्रेन, इंक्रीज में थोड़ा सा स्ट्रेन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, बट नेग्लिजिबल इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस वैसे का वैसा ही रहेगा, स्ट्रेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, केवल स्ट्रेन चेंज होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है पॉइंट ई, वो जो पॉइंट ई है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट। अगर किसी भी स्पेसिमेन में हमने एक्सट्रीम जो लोड लगा दिया, उस वो लोड उसके जिस लोड को वो सहन कर पा रहा है, जिस लोड को वो सस्टेन कर पा रहा है, उस लोड के बाद हमने थोड़ा सा भी और उसमें लोड लगाने की कोशिश की, उसका मतलब वो स्पेसिमेन ब्रेक हो जाएगा।
तो जो ब्रेक होने के पहले का जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। ये देखिए ऊपर में सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको हम कहेंगे अल्टीमेट पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो ये सबसे लास्ट पॉइंट है, जो हमने लोड लगाया, हमने रीडिंग नोट कर लिया, अगर हमने यूटीएम मशीन में अगर इसका जो प्रैक्टिकल करते हैं अगर चेक करते हैं तो कि हमने ये लास्ट लोड उसका कैलकुलेट किया, अब हम इसमें थोड़ा भी एक लोड लगाएंगे तो ये स्पेसिमेन तुरंत ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद आता है पॉइंट एफ, जो लास्ट पॉइंट है फ्रैक्चर, और इसी को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इसका मतलब यह है कि हमने जो लास्ट जो लोड लगाया है वो जो स्पेसिमेन है उतना ही लोड को वो सह सकता है, सस्टेन कर सकता है, और हमने थोड़ा भी अगर लोड एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया, इम्पोज किया, तो वो जो स्पेसिमेन है वो ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ये उसका लास्ट पॉइंट है एफ पॉइंट। देख लीजिए अल्टीमेट स्ट्रेस जिसको हमने पॉइंट ई की दिया था उसमें बोलता है कि इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेस, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके बाद मटेरियल क्या होता है फेल हो जाता है, दैट अ मटेरियल कैन टेक बिफोर इट फेल्स, फेल होने के जस्ट पहले का जो मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, लास्ट है ब्रेकिंग पॉइंट जिसको हमने अल्टीमेट पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहा है, दिस इज द पॉइंट एट विच स्पेसिमेन फेल्स, इस पॉइंट में स्पेसिमेन जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है या फेल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो था, ये एक इसमें और मैं बताना चाहूंगा, इसमें एक पॉइंट था प्लास्टिकसिटी, ये जो इलास्टिक लिमिट है उसके बाद जो बी से सी के बीच का जो पोर्शन होता है वो प्लास्टिक पोर्शन होता है या प्लास्टिसिटी, जिसको हमने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब किसी मटेरियल में हमने कोई बल लगाया या लोड लगाया, फोर्स लगाया, वो अपने पोजीशन से दूसरा पोजीशन में चला जाता है और वापस से वो अपना जो ओरिजिनल जो पोजीशन है या ओरिजिनल जो शेप है उसको वापस से नहीं रिगेन कर पाता। मतलब इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन विच व्हेन वी अप्लाइड एनी लोड और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस, इट टेक्स डिफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड व्हेन वी रिमूव द लोड इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज प्लास्टिसिटी। तो ये बी से सी के पॉइंट जो है प्लास्टिसिटी पॉइंट है। यहाँ पर अपना जो डिफॉर्मेशन होता है जब ऑब्जेक्ट बट वापस से अपने शेप या साइज में नहीं जा पाता, इसलिए इस पोर्शन को हमने प्लास्टिसिटी कहा है। फिर से देखते हैं एक बार, ओ से ए, ए पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल लिमिट है, ए टू बी प्लास्टिसिटी है, बी टू सी प्लास्टिसिटी है, सी टू डी येल्ड पॉइंट है जिसमें सी अपर येल्ड पॉइंट, डी लोअर येल्ड पॉइंट है, ई जो है अल्टीमेट पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट या इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, और लास्ट जो एफ पॉइंट है वो फ्रैक्चर है, जहां पे हमारा जो स्पेसिमेन जो है फेल हो जाता है, टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप कोशिश कीजिएगा एक बार समझने का, जो पीडीएफ मैंने दिया या मशीन डिजाइन की बुक या खन्ना ओपी खन्ना की जो मटेरियल साइंस की बुक है उसमें अच्छे से दिया हुआ है ये, तो कोशिश कीजिए समझने का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने अभी जो देखा वो डक्टाइल मटेरियल के लिए था। डक्टाइल मटेरियल में कौन सा आता है, माइल्ड स्टील, जिसमें साइक्लिक लोड लगते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटिल मटेरियल। अब ब्रिटिल मटेरियल में हमने देखा था पिछली क्लास में, ब्रिटिल मटेरियल कौन सा होता है, कास्ट आयरन, जिसमें 2 to 3.5% आयरन जो कार्बन का है वो कंटेंट होता है, इसलिए इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, ये ब्रिटिल इन नेचर होता है। और हमेशा कास्ट आयरन बड़े बड़े मशीनों के बैट्स मतलब उसके फाउंडेशन बेस बनाने के लिए काम आते हैं, ताकि ये वाइब्रेशंस को ईजिली विथस्टैंड कर सके। तो ये देखते हैं ब्रिटिल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये सिंपल सा स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व है, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होते, कोई भी इलोंगेशन नहीं होता। जैसे ही हमने लोड लगाया, एक स्टैटिक लोड लगाया, कोई भी ब्रिटिल मटेरियल अचानक हाई इंपैक्ट लोड, अचानक कोई लोड लगाया, स्टैटिक लोड लगाया, तो वो जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अपन देखते हैं, ये देखिए ग्राफ है, इसमें जो वर्टिकल जो लाइन है वो स्ट्रेस का है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो स्ट्रेन का है, और एक कर्व दिया हुआ है बीच से निकला हुआ, देखिए लाइन, इसमें एक पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट है। तो इसमें देखते हैं द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटिल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन, देयर इज वेरी लिटिल इलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन फॉर सच मटेरियल्स।
जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी प्रकार का इलोंगेशन या बहुत कम इलोंगेशन होता है या डिफॉर्मेशन होता है, उसके एरिया में कोई बदलाव नहीं होता, या तो वो एक बार में टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, या वैसे के वैसा ही रहता है जब हम किसी स्पेसिफिक में लोड लगाते हैं तब। ब्रिटल मटेरियल्स विच इंक्लूड्स कास्ट आयरन, ग्लास एंड स्टोन आर कैरेक्टराइज बाई द फैक्ट दैट रप्चर ऑकर्स विदाउट एनी नोटिसिबल प्रायर चेंज इन द रेट ऑफ इलोंगेशन। ब्रिटल मटेरियल सच एज कॉन्क्रीट, कार्बन फाइबर डू नॉट हैव अ यील्ड पॉइंट एंड डू नॉट स्ट्रेन हार्डनिंग, देयरफॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ आर द सेम एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आर ऑल्सो सेम। हमने पिछले जो माइल्ड स्टील के केस में देखा था कि उसमें अल्टीमेट जो पॉइंट था, एक्सट्रीम जो पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट था, वो अलग था, ई पॉइंट था, और ब्रेकिंग पॉइंट जो फ्रैक्चर पॉइंट था वो एफ पॉइंट था। इस ब्रिटल मटेरियल के केस में जो अल्टीमेट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो और ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट दोनों सेम है। देखिए, जैसे ही हमने लोड लगाया कोई उसमें चेंजेस नहीं आया, ना कोई उसमें इलोंगेशन हुआ, ना कोई रिडक्शन हुआ एरिया में, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे ही हमने लोड लगाया, जितना लोड वो सस्टेन कर सकता था किया वो स्पेसिमेन, और जैसे ही वो लोड हमने एक्स्ट्रा कुछ इम्पोज किया वो सीधे सीधे ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो देखिए कर्व बिल्कुल छोटा सा है इसमें, और आप लोगों को शायद समझ में आ जाए एक बार में, फिर भी आप अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है क्लासरूम में उसको आप रिफ़र कीजिए, वो हेल्प करेगा आपको आसानी से समझने के लिए। और वी भंडारी और मशीन डिज़ाइन की जो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है, वी भंडारी की बुक, खुरमी गुप्ता की बुक मशीन डिज़ाइन में, या ओपी खन्ना की इंजीनियरिंग मटेरियल्स या मटेरियल साइंस की बुक आप प्रेफर कीजिए, उसमें ये कर्व जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मशीन डिज़ाइन से है, और ये जो टॉपिक है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, और इन फ्यूचर आपको ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जो आज का टॉपिक है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जैसा कि हमने पिछले वीडियो